फिर से एक बार हमारा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग मार्केट की ओर जाएंगे, डोंगरगांव में जाएंगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्रेश मछली मिलता है और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। और वो बाज़ार अभी नाइट के समय में रहते हैं, ठीक है। और जब हम मछली लाएंगे तो उसका अच्छा रेसिपी को क्या करेंगे, बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, फिलहाल के लिए गुड। खाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं, उसके बड़ा तो महीने दो महीने तीन महीने तो देना होगा। अब जब चालो, नहीं बोला था। अंदर आए तो देवरा सर, हाय गाइस, अभी हमने मछली खरीद के लाया है, आप देख पा रहे हैं। करीब 2 किलो के आसपास हमने मछली को लाया है और इसका रेसिपी बनाएंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है, ठीक है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल आप आज पूरी तरह से आज का रेसिपी देखिए। ओके, थैंक यू। हमने अभी मार्केट से समोसे भी लाए हैं, आप देख पा रहे हैं सबके मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये समोसा हम खा लेंगे और उसके बाद हम मछली का रेसिपी को बनाएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए हम इस समोसे को खाएंगे। ओके, पे मछली को धो रहे, आप देख लीजिए, अच्छे से धोना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मार्केट से लाया और बना लिया, ऐसे नहीं। देखो बहुत ही अच्छा क्लीन दिख रहा है ना, तो ऐसे क्लीन करने का कभी भी, ठीक है। सभी लोगों को मैं अभी मछली कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी मैं आपको बताऊंगा और उसके लिए क्या क्या मछली के लिए डालना है वो भी मैं आपको क्या करेगा अभी दिखाएगा, ठीक है। और साथ में अच्छे से वीडियो को देखना है सभी लोग कि मैं किस तरह से और कैसे डालते हैं, उसे पूरी तरह से देखने का प्रयास कीजिए। ओके, तो अभी हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑयल डाल चुके हैं गर्म करने के लिए, आप देख पा रहे हैं। तो हमने ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे हमने कुछ मछली को बनाने के लिए लगने वाले हर चीज को यहाँ पे रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अदरक लहसुन है और ये है प्याज और टमाटर को पिसा हुआ पेस्ट, ठीक है। और ये है लाल मिर्च और हल्दी, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, ठीक है। हम इस मसाले का उपयोग करेंगे, साथ में ये धनिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लहसुन को डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट को डालेंगे, ठीक है। तो हमने अदरक लहसुन को डाले हैं, आप देख पा रहे हैं, तो ठीक है। अभी हम लोग ये पेस्ट को डालेंगे, ठीक है। और इस पेस्ट को हम अच्छे से इनको मिलाएंगे दोनों को भी, अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज के पेस्ट को, और इसको अच्छे से क्या करेंगे, पकाएंगे, ठीक है। और अच्छे से भूनने तक हमें इसको पकाना है। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी तेल को छोड़ दिया है मसाले ने, आप देख पा रहे हो। और अभी फिलहाल पक चुका है तेल भी, और इसको अच्छे से क्या करेंगे, पकाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। तो इसे और अच्छे से पकाने से क्या हो जाएगा, अच्छा खुशबू मिलेगा और साथ में अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। तो हम इसे और अच्छे से क्या करेंगे, पकाएंगे ताकि उसका और अच्छा खुशबू आ सके और अच्छा टेस्ट मिल सके, है ना। तो इसलिए हम उसको बहुत बेहतर और अच्छी रीति से क्या करेंगे, मसाले को पकाएंगे। तो ठीक है, अभी हमने वो मसाले को पकाया है। अब आप देख सकते हैं लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये आइटम्स को क्या करेंगे, अभी मिक्स करेंगे, डालेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं और मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे हमने क्या किया, मिक्स किया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे। अरे यहाँ पे हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ग्रेवी के लिए और अच्छा बेहतर पक सके, ठीक है।
देखेंगे, हमने पानी डाल के रखे थे थोड़ा सा ताकि और अच्छे से मसाला पके, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे पका है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से ग्रेवी बन गया है और आप दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ना। और ये ऑलरेडी पक चुका है, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, मछली को डालेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे स्टाइल और मेरे बनाने का तरीका, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, और ये मैंने किसी से नहीं सीखा, बस अपने हिसाब से ही बनाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें हम मछली डालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम मछली को डालेंगे। तो अभी हमने मछली इसमें डाल दी है, अब हम इसको अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा रंग भी मिला है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह इसको अच्छे से मसाले में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। हम शुरुआत में ही मिक्स करेंगे तो ये क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है, जैसे के वैसे ही पीस बने रहेंगे। तो अभी हम मिक्स किया है ग्रेवी में, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, हम इसको ग्रेवी में ही पकाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पानी डालेंगे। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। हम देखेंगे, हमने कुछ देर के लिए पकाने के लिए रखा था, तो हम अभी खोल के देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये ऑलरेडी थोड़ा सा पक चुका है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है, तो हम इसको अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए होने देंगे, ओके। और साथ में हम थोड़ा सा धनिया को डाल देंगे। ठीक है, देखेंगे कि हमारा मछली बन गया कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा मछली बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, ठीक है। और ये हो गया, अभी हमारा मछली एकदम रेडी है, ठीक है, आप देख पा सकते हैं। तो आज का हमारा जो रेसिपी है, जो बनाया हुआ है और आपने देखे हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।